नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर बात्या यश्र प्रभाव बालेश्वर उपड़ला गच्छ गच्छ पड़ी छ आहत सूचना जिले में प्रबल बेगर पवन बहवा सह वर्षा आरंभ बात्यारे परिणत होला यश 24 घंटे नेब भेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रो रूप 26 तारीख मध्यान पारादीप और सागरद्वीप मध्य कर लैंडफॉल 185 किलोमीटर बेगर बहब पवन बात्या मुकाबला नहीं गृहमंत्री अमित शाह समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री मुख्य शासन सचिव एसआरसी और अन्य अधिकारी आलोचना सेपटे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे गुरुत्वपूर्ण बैठक बात्या प्रस्तुति और मुकाबला नहीं वरिष्ठ अधिकारी जिला दायित्व केन्द्रापड़ा हेमंत शर्मा जगत सिंहपुर शाश्वत मिश्र भद्रक दायित्व रे भिवी यादव बालेश्वर पर विशाल देव और सुरेश वशिष्ठ मयूरभंज दायित्व 10 जिले में दुई दिन लॉकडाउन कटकणा सामान्य कोहल आज और आसंता सकाल 7 रु दिन गोटाए जाए खोला रहा अत्यावश्यक सामग्री दुकान बात्या निर्देश देते एसआरसी बात्या मुकाबला एनडीआरएफ ओड्राफ अग्निशम बाहिनी प्रस्तुत ओडिशा एनडीआरएफ बाउंड्री टीम मुतयन जनभागीदारी में बात्या को सामना करने प्रस्तुत होती लोके राज्य में गोटे दिन में सर्वाधिक करोना जनित मृत्यु महामारी नेला और 32 जीवन 10,000 उपरे दैनिक ट्रेंड लगुनी ब्रेक 24 घंटे राज्य में आउ 11,068 पॉजिटिव चिन्हट बात्या यश्र प्रभाव बालेश्वर प्रबल बेगर पवन बहवा सहित वर्षा आरंभ हो जिले में गच्छ उपुड़ा आरंभ हो बड़ बड़ गच्छ उपुड़ पड़ी एपरिक वर्षार 6 जन आहत होता सूचना आँची दृश्य देखु कि भाव में गच्छ उपुड़ी लोके बर्तमान क्षतिग्रस्त होती खासकर बोध हुए रास्त जाऊ बैक आरोही जनक कितु गच्छ पड़वा जो से दुर्घटना घटी इभली दृश्य हस्तगत होर्गस आप देखुं टीवी स्क्रीन में चलुवा एक्सक्लूसिव विजुअल ही बयान करुच्छ कि यश्र कोप एवं प्रभाव केमी र किसी समय पूर्व देखुले कि पवन टिके टिके आरंभ होता है वर्षा झिपिझिपि पके आरंभ करता कितु किसी समय भितर ही यश तार प्रकोप देखे आरंभ कर सारा गोटे पटे तो धामर अर्थात भद्रक वर्षा आरंभ हो जाता बेले अनेपटे जो देखा बालेश्वर पवन जो ये गच्छ पड़ा रास्तार रास्त से ही समय जाऊ बैक आरोही जनक गच्छ पड़ा कारण दुर्घटनाग्रस्त होती गुरुतर अवस्था उदार कर स्थानीय लोके जार विजुआल आपवी स्क्रीन में चलुच्छे आपड़े देखिपुट एक्सक्लूसिव विजुआल अर्गस्र गच्छ पड़ी बैक आरोही दुर्घटनाग्रस्त होती ये हूँ जितियों राजपथ दृश्य जोटि बात्या यश आसुच्छे यश्र प्रभाव रे जो भाव में पवन रेग बढ़ी से अनुपात में गच्छ पड़ी रास्त बैक आरोही जनक दुर्घटना सम्मुखीन होता खबर सामना को आसी बात्यार रूप नेला यश आसंता 12 घंटे सीभियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप नेब परवर्ती 24 घंटे भेरी सीभियर साइक्लोनिक स्टॉर्म परिणत हो सूचना देती पाणीपाग केन्द्र गत 6 घंटा हेब घंटा प्रति 2 किलोमीटर बेगर गति करछि बात्या वर्तमान बात्या दक्षिण दक्षिण पूर्व पारादीप ठारु 530 किलोमीटर दूर रही दक्षिण दक्षिण पूर्व बालेश्वर ठारु 630 दक्षिण दक्षिण पूर्व दीघा ठारु 620 किलोमीटर दूर रही 26 तारीख मध्यान बात्या पारादीप और सागरद्वीप मध्ये लैंडफॉल करिपारे लैंडफॉल बेलकू पवन बेग 155 रु 165 किलोमीटर रहा वृद्धि पाई 185 किलोमीटर मध्ये होइपारे भद्रक केन्द्रापड़ा मयूरभंज जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होब से 26 तारीख में बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा मयूरभंज जगत सिंहपुर कटक जाजपुर और केन्दुझर जिले में प्रबल वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान करणिपा केन्द्र सेपटे बात्यार मुकाबला एनडीआरएफ ओड्राफ और अग्निशम बाहिनी प्रस्तुत हो रही आधुनिक जंत्रपाति सहित प्रभावित जिला को अद्यावधि 22 एनडीआरएफ टीम पठा जाइथिबा जणापड़ी तेज
तबे बात्या यस पई विभिन्न जिल्ला रे प्रस्तुति को जोरदार करा छि। कटक रे मध्ये बात्या पई प्रस्तुति आरंभ होय छि। कटक रे बात्या परिस्थिति पई सजाग रहि छि प्रशासन। बात्या यस रो मुकाबला पई ओड्राफ रे 60 टी टीम बात्या प्रभावित आशंका थिबा अंचल रे मुतयन होइछंती। बालेश्वर रो 4 यूनिट, भद्रक रो 4 यूनिट, जाजपुर 2 यूनिट, केन्द्रापड़ा 2 यूनिट, जगतसिंहपुर गोटे यूनिट, मयूरभंज गोटे यूनिट, केन्दुझर गोटे यूनिट, खोर्धा गोटे यूनिट रे एसआरसी को निर्देश क्रमे टीम पहुंची सारछि। कटक रे थिबा ओड्राफ मेन यूनिट रे आउ 4टी टीम को रिजर्व रे रखा जाय छि। ए टीम को बात्या लैंडफॉल करबा परे किंबा एहार ठीक पूर्वरु अधिक प्रभावित हेबाकु थिबा स्थान को पठा जिवो। सेपरि ओडिसा पुलिस पक्षरु 58 प्लाटून पुलिस फोर्स को बात्या मुकाबला पई विभिन्न स्थान को पठा जायथिबा सूचना मिलि छि। वर्तमान बात्या को आखि आगे रखि समस्त 20टा ओड्राफ टीम प्रस्तुत होकर निज निज जगार से अलरेडी पहुँची सारे एवं से ठारे विभिन्न छोट छोट टीम होपरी 60टा टीम से मुतयन होकर डिफरेन्ट वल्नरेबल प्लेस गुड़ा ब्लॉक हो किंबा तहसील होने ड्यूटी करेंगे। वर्तमान रिजर्व अच्छा 6th बटालियन कटक रे 3टी यूनिट 4 गोटी थिला वर्तमान अल्प समय मध्य आ गोटे यूनिट पलैब भद्रक एवं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अनुसार एसआरसी को इंस्ट्रक्शन अनुसार से माने डिप्लॉय हेबे। बात्या पय हमें प्रस्तुत अछु। हमरो जो जो पंप्स अछि पंप्स को ऑलरेडी प्री पोजीशन कर दिया जाय छि, फील्ड को पठाई दिया जाय छि, तांकर फ्यूल अरेंजमेंट सब करा जाय छि। 26टा वल्नरेबल क्लस्टर्स आइडेंटिफाई हेछि, तांकु अलगा अलगा स्कूल्स रे शिफ्ट करा देबो जदि दरकार पड़ेबो। तो हमरो रोड क्लियरेंस पय अलगा टीम बना हेछि आरएनबी तरफ रु, पीएचडी तरफ रु व्यवस्था करा हेछि। 195टा पंपिंग स्टेशन अछि, तांकु पय डीजल सेट डीजी सेट सब अरेंज करा हेछि। आ इलेक्ट्रिक कनेक्शंस करा हेछि टीपीसी ओ डीएल रु, जो रिस्टोरेशन पय सब व्यवस्था तांकरु करा हेछि। तेबे कटक रे केमिति रहिछि बात्या प्रस्तुति से संपर्क अधिक सूचना पाई रहिछन्ति हम प्रतिनिधि विश्वजीत दास। रहिछन्ति विश्वजीत, जेहेतु एटा पारादीप एवं सागरदीप मध्य दे माने जीव एवं लैंडफॉल करिवो बोली जा सूचना रहिछि वर्तमान सुधा पाणीपाक विभाग रो, तेणु से दिगरे आम जो देखा कटक जिला प्रभावित होबार मते बेस आशंका रहिछि। तेणु बात्या यस रो मुकाबला पई कटक जिला प्रशासन रो प्रस्तुति केमिति रहिछि, केते तयार रहिछि जिला प्रशासन? এবং এনডিআরএফ এবং অভিযোগ বিভাগ সমস্ত প্রস্তুত হয়েছে কিভাবে মোকাবেলা করবে এবং লোকের কিভাবে ক্ষতি ন হব। মু আপনার কথা দৃশ্য দেখে কটকের মধ্যে তার প্রভাব দেখে মিলল, ধীরে ধীরে বর্ষা মধ্যে আরম্ভ হলেন কটকের মধ্যে ইয়ে হচ্ছে তার দৃশ্য দেখি ধীরে ধীরে বর্ষা আরম্ভ হয়ে গেল। কোন যদি কহা ওড্রাফ কথা কহা যে কথা কৌশলে 60টা টিম করা যাই 20টা ইউনিট রয়েছে এবং সেই 20টা ইউনিট 60টা টিম করা হয়েছে বিভিন্ন স্থানে পাঠা যাই সবুত অধিক ভদ্রক এবং বালেশ্বর পাঠা যাই 40 ইউনিট এবং বালেশ্বর মধ্যে 40 ইউনিট পাঠা যাই से सब टीम जो वनरेबल एरिया रही से टीम से मौजूद अच्छा कटक कटक कह कटक मैं चार रिजनाल ब्रांच टीम अच्छा कटक जब वर्षा पवन आसे मुकाबला करे ओड्राफ टीम पूरा प्रस्तुत रही। जिला प्रशासन कथा देखा जिला प्रशासन पक्ष जो सीएमसी कमिशनर मैं सूचना दौले कि 26 जगह सिलेक्ट कर जो तलिया अंचल रही से स्थान में रोकवा जो बस्तीवासी मानक जो अस्थायी स्कूल घर अणा बासवासी अणा से सब प्रस्तुत कर 25 आश्रयस्थल मैं कटक कर महानगर अंचल में किभली जो लोक मैंने आसवे आश्रयस्थल को सेटा जो खाद्य पानी व्यवस्था करेटर व्यवस्था जेनेटर व्यवस्था आ गए बड़ कथा हूँ कटक टे बर्षा हेल्ला पा जमीटा ताको कि निष्कासन होता से 100 रु अधिक मटर को रथा दि जाए जो मटर चालक मैंने नियोजित कर दिखाई कह जो कथा कहते जो सीएससी पीएससी गुड़िक रही मेडिकल गुड़िक रही कोविड समय रही कि उपयुक्त लाइन दिया दिव्य पानी व्यवस्था कर खाद्य व्यवस्था करसीजेन कि मजबूत रखा से उपरूर गुरुत्व दि जाए आ गोटे बड़ कथा हूँ जो सीएमसी कमिशन जहाँ कौशल कहते जदि रास्त गर्षा पड़े विद्युत सरबराह किसी विचन हुए से डिपार्टमेंट सहित आलोचना कराए से प्रस्तुत रहते। कटक रे प्रस्तुति को जोरदार करा जाइछि। बात्या यस रो मुकाबला करिया पई जिला प्रशासन तार तैयारी जारी रखिथिबा जे हम प्रतिनिधि सूचना दैछन्ति विश्वजीत। धन्यवाद विश्वजीत। रहिथलाम प्रतिनिधि विश्वजीत दास। ओडिसा रे बात्या पई प्रस्तुति राज्य रे लैंडफॉल करिवार संभावना रहिथिबारु मुकाबला पई सरकार को पक्षरु सबु प्रकार प्रस्तुति करा जैथिबानी सूचना दैछन्ति एसआरसी। विभिन्न जिल्ला रे 22टी एनडीआरएफ टीम, 50 रुट ओड्राफ, 150 फायर टीम मुतयन रहिछन्ती। आज संध्या सुधा राज्य अतिरिक्त 30टी एनडीआरएफ टीम आसी पहुंचिबे। राज्य रे सर्वमोट 52 एनडीआरएफ टीम, 50 रु 60 ओड्राफ एवं 200 टी फायर टीम मुतयन करिवा पई
योजना करुछु बोली सूचना देछन्ते। सारसी सेपरी 35 ट्री कटर टीम नियोजित होछन्ती। पूर्त विभाग पक्षरु 165 स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग टीम गठन करा जायछि, जो माने पुनरुद्धार कार्य लागिबे। ग्राम्य उन्नयन विभाग पक्षरु 330 टीम गठन होइछि। जलसंपद विभाग पक्षरु भी टीम गठन करा जायथिबा सूचना देछन्ती। एसआरसी सीनियर ऑफिसर सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर को 5 जिला को रिलीफ रेस्क्यू प्रिपेयर्डनेस एवं रेस्पन्स कार्यर तदारख करने पठा जाए। राज्य सरकार 22 गोटी ओड्राफ टीम, एनडीआरएफ टीम, 50 रु ऊर्ध ओड्राफ टीम, 175 फायर सर्विस टीम को मुतयन कर सारी। एवं गत काली आमे भारत सरकार को आउ 30 एनडीआरएफ टीम पठाइबापी अनुरोध करूँ। आम अनुरोध अनुसार आज संध्या सुधा आम पाखे 30 गोटी अतिरिक्त एनडीआरएफ टीम आँचबे। सो टोटल एनडीआरएफ टीम आमर हम 52, एसडीआरएफ बा ओड्राफ टीम हम 50-60, एवं फायर टीम आम चेष्टा करूँ पाखापाखि 200 मृतयन करने। सहित 35 गोटी ट्री कटर टीम आम एथर नियोजित करिछु। पूर्त विभाग तरफ 165 स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग टीम करा जायछि। ग्राम्य उन्नयन विभाग तरफ 313 सेफल टीम करा हिछि। एवं जलसंपद विभाग तरफ अनुरूप भावे इंजीनियरिंग टीम करा हिछि, जोठी जेसीबी, प्रोक्लेन, ट्रैक्टर, ट्रक्स, कटर्स एवं आवश्यक श्रमिक इंजीनियर तत्वावधान में रखाई, जो माने जिला प्रशासन को आवश्यकता अनुसार साहय जोगेबे रास्ता क्लीयर करने, गछ काटी सफा करने, एवं परवर्ती जो आमर जदि दरकार पड़ो रिस्टोरेसन इलेक्ट्रिसिटी, टेलिकम एवं ड्रिंकिंग वाटर रिस्टोरेसन कार्य साहय करने। अनबड़े राज्य में बात्यार प्रभाव पड़ी। राज्य विभिन्न जिले में वर्षा आरंभ हो जाएगी। उपकूल जिला बालेश्वर, भद्रक, जगत सिंहपुर आदि जिले में वर्षा आरंभ हो, पवन बहवा सहित आरंभ हो वर्षा, जहाँ को नहीं भयभीत हो पड़ते उपकूल अंचलवासी। बात्या मुकाबला नहीं गृहमंत्री अमित शाह समीक्षा बैठक करते, भर्चुआल समीक्षा बैठक करते केन्द्र गृहमंत्री। ए मुख्यमंत्री, मुख्य शासन सचिव, एसआरसी, अन्य अधिकारी उपस्थित रही, ओडिशा समेत पश्चिम बंग और आंध्रप्रदेश मुख्यमंत्री सामिल होते। गतकाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बात्या प्रस्तुतिर समीक्षा करते, बैठक में अमित शाह सामिल होते। यस बात्या द्वारा ओडिशा रे प्रभावित होबाक थिबा जिला गुड़िक संपर्क में गृहमंत्री अमित शाह को अवगत कराइले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। बात्या सह जड़ित विभिन्न विषय आलोचना करछन्ते। केन्द्र सरकार ए विपत्ति समय रे ओडिशा सांगर रहिछन्ते, समस्त प्रकार संभाव्य सहायता एवं संपूर्ण सहयोग पई प्रस्तुत बोली अमित शाह प्रतिश्रुति देइछन्ते। एभली प्राकृतिक विपर्य समय रे ओडिशार भाई भौनी और गुरुजन माने प्रशासन द्वारा जारी करा जाइथिबा सतर्कता सूचना मानिबाकु परामर्श देइछन्ते। बात्या यश्र पूर्व प्रस्तुति और मुकाबला नहीं आज बसुची राज्य बीजेपी गुरुत्वपूर्ण बैठक। संध्या 5:30 रे बसव बैठक, भिसी मध्यम जोगदेवे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बात्यार मुकाबला प्रस्तुति हो रूपरेख, जोगदेवे राज्य बीजेपी कर्मकर्ता, पंचायत मंडल, विधानसभा और जिला स्तर में बात्यार मुकाबला रोडमैप। एने ट्विट कर सूचना देते राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती।
बात्या यश्र प्रस्तुति और मुकाबला राज्यर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को बात्या प्रभावित जिलार दायित्व दि जाएगी। केन्द्रापड़ा हेमंत शर्मा, जगत सिंहपुर शाश्वत मिश्र, भद्रक भिवि यादव को दायित्व मिली। सेपरि बालेश्वर जिला दायित्व रे विशाल देव और मयूरभंज जिला सुरेश वशिष्ठ को दायित्व मिली। संपर्क अधिक सूचना पाई रही पुरी जोड़ी हम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष रही। आलोक, पुरी रे वर्तमान पागर अवस्था केमती अच्छी आगे कहतु, पाग केते मात्रा रे परिवर्तन आनी सकाळ एवं वर्तमान दिन दुईटा तीस हवा पाई जा तो पागरे केते परिवर्तन आसी वो समुद्र केते अशांत होउची, जिला प्रशासन प्रस्तुति केमी रही। पूर्व बुलेटिन ने पूरी समुद्र कूल ताजा दृश्य देखु, जुआर किसी मात्रा ऊपर को उठी हाई टाइड थिला, जो मत्स्यजीवी मान थे सेमाना डंगा को कूल को आनी देते, कारण महावात्या फोनी करल रूप से देखिंट बेस अभिज्ञता सेमकर फोनी बेले रही है। कितना बर्तमान जहाँ ताजा स्थित रही है, आम टे दर्शक मानक देखा चाहिए, बर्तमान लगातार वर्षा 15-20 मिनट हम लगातार वर्षा जारी रही, पवन रात्रा टिके ना बढ़ी, तो निश्चित भाव में बात्या यश्र सामूहिक प्रभाव प्राक आभास कहे अत्युक्ति हमने, जेहेतु आकाश नीलिमा संपूर्ण मेघाच्छन्न रही है, लगातार वर्षा 15-20 मिनट पर्यंत लगातार वर्षार परिमाण चली, पवन टिके टिके चली, तो निश्चित भाव में जिला प्रशासन या नहीं मुकबिला करने को संपूर्ण प्रस्तुत रही है। आम किसी समय पूर्व पूरी जिलापा प्रतिक्रिया आनी सीधा सड़क कहते जिलार जो 11 ब्लक रही, 11 ब्लक समस्त बात्या आश्रयस्थल गुड़िक संपूर्ण रूपे प्रस्तुत होती, जदि वर्षार परिमाण बढ़ पवन परिमाण बढ़ समुद्र उपकूलवर्ती अंचल तथा पूरी सहर जो संवेदनशील बस्ती गुड़िक रही, बलियापंडा बस्ती हूँ, बालीपर बस्ती हूँ, कि पेंठखटार बस्ती हो, ये तमाम बस्ती लोक युद्धकालन भितर इवाकुएट कर बात्या आश्रयस्थल को निजी और बात्या आश्रयस्थल में किभली भाव में कोविड कटक बजाय रखू दृष्टि दिजिव। निश्चित भाव में विद्युत विभाग पा विभाग को स्वतंत्र भाव दृष्टि देवा कहुई, कारण बात्या समय विद्युत किभली भाव में नजर और विशेषकर आज जिलापा गोटे प्रतिक्रिया रखिजन कोविड हस्पिटाल गुड़िक नीलिमा रही पूरी में तापर स्वतंत्र ध्यान देवा कहुई, व्यापक परिमाण में इलेक्ट्रिसीटी महजूद रिभली भाव जदि वर्षार परिमाण कि पवन परिमाण हुए, जदि विद्युत संपूर्ण रूपे विद्युत सरबराह बंद रेब कि भाव में युद्धकालन भितर डीजी सेट लग जा कोविड पॉजिटिव रोगी मानक तुरंत चिकित्सा दि जापर विशेष फोकस दि जाए। कि सामूहिक स्थिति पूरी सहर आप देखुंत आकाश संपूर्ण रूपे सका मेघाचन रही, वर्षार परिमाण लगातार बढ़ी चलती, पवन हाल्का मात्रा रोचे, तो निहत भाव में ये हूँ बात्या यश्र प्रभाव कहले अत्युक्ति हेने, कि जिला प्रशासन सबकि प्रस्तुत करने प्रस्तुत हो रही। नीलिमा अनेपटे आलोक, जो मैंने रही समुद्र कूलवर्ती जो नोलिया मैंने रही बस्ती गुड़िक रही है, बेसी प्रभावित होवार आशंका रही, कारण समुद्र अशांत हो पारे एवं पानी ऊपर को मानने स्थलभाग आड़क माड़ आसवर संभावना रही, उच्च जुआर भी आसपे, तेनाली प्रभावित होवार आशंका बेस मात्रा रही, अनेपटे कोरोना भी रही, तेणु स्थानांतरित करने किसी व्यवस्था कर बर्तमान सुधा स्थानातरण कार्यक्रम आरंभ है कि बर्तमान सुधा तो स्थानांतरण कार्यक्रम आरंभ होना, किंतु जिला प्रशासन जहाँ प्रतिश्रुति जदि से किसी परिस्थिति जटिल परिस्थिति आसो तेज समुद्र उपकूलवर्ती अंचल तथा बस्ती मानक जो लोक मैंने रोचान से युद्धकालन भितर बात्या आश्रयस्थल को निजी रंधा खाद्य शुखिला खाद्य ठू आरंभ कर मेडिसीन पीवा पा और इलेक्ट्रिसीटी तमाम व्यवस्था करें कहींपर लोक मैंने बर्तमान जो आम पूर्व बुलेटिन नीलिमा आपको देखते कि भाव में मत्स्यजीवी मैंने डंगा को कूल को आणुंट जो उठा दोकानी मैंने अच्छा से निज निज दोकानु सामग्री सब घर को नबार व्यस्त रही, कारण महावात्या फंदी में अनेक उठा दोकानी समुद्र भितर को पलि जाइए और डंगा किसी समुद्र भितर को पलि जाइए, तो या दृष्टि रखिकी से सोमठ भाव में निज सत्व भाव में बर्तमान प्रचेषा जारी रखिंट कि भाव में बात्यार संभाव्य बात्या को लेकिन मुकबिला करपर, कि अंपटे नीलिमा जिला प्रशासन संपूर्ण प्रस्तुत रही है, जदि वर्षा और लगातार भाव पवन रही तेज निश्चित भाव में आम कहींपर समुद्र उपकूलवर्ती तथा बस्ती अंचल जो लोक मैंने अच्छा युद्धकालन भितर इवाकुएट करके बात्या आश्रयस्थल को निजी। नीलिमा आलोक, अनेपटे आप भी जानते टिके जदि वर्षा हुए पूरी बड़दाण्डे कौली भाव में पा जमे माने आंठु उच्चर पा जमे और बात्या जेहेतु आसूची हुए तो वर्षार परिमाण भी अधिक पूरी भी हो पाए, तेनाली ड्रेनेज पा निष्कासन या गुरुत्वारोप कर।
ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୀଳିମା ହେଉଛି ରଥକଳା। ଯେହେତୁ ରଥକଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲୁ, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ବାତ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ପବନ ହୁଏ ତେବେ ରଥକଳାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବାଟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ମହଜୁଦ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତେବେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୁଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱେରେଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବେ ସହରରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ, ରେଟଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ତେବେ ପୁରୀରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଜାମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୟସ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ୍ରା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ୍ରାଫ୍ର 30 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 40 ଜଣିଆ ଟିମ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 28 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ 33 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଟିପ୍ଲର, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କଟର, ବ୍ରାଞ୍ଚ କଟର, ଗ୍ୟାସ୍ କଟର, ରୋପ୍, ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଦି ରହିଛି। ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ବୋଲି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର 69 ଟିମ୍। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 52 ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 30 ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ 25 ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ 10 ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଡିଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବନ୍ଦରର ବର୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଜାହାଜ ଓ ଆଙ୍କରେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପାରାଦୀପରୁ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଜୋର୍ରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ଦର, ଆଙ୍କରେଜ୍ ଓ ବର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ବନ୍ଦର ଓ ଜାହାଜର କ୍ଷତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍, ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଦିନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାକୁ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ, ଏ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ପନିପରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସମୟ ଯାଇଛି ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।